Hello students, good morning. In last video, I had given you the poem video and the question answers and hard words. Today, we will start from second chapter. First of all, I'll tell you one thing. I am giving you explanation in Hindi because in this language, we can understand the story or lessons quickly. When school will reopen, then I will continue our communicating in the English language. Students, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. मैं आपको explanation हिंदी में देना चाहती हूँ अभी, ताकि आप लोग घर बैठे आराम से समझ सके. जब हमारा school start हो जाएगा, फिर हम अपना communicating English में explain करेंगे या बातें करेंगे. ठीक है students? तो then today's 1.2, who is the greatest lesson is here? यानी कि सबसे महान व्यक्ति कौन है? तो ये स्टोरी है अकबर और बिरबल के बीच का. वैसे तो हम लोगों ने अकबर और बिरबल की बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई है. अब ये स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ. सो स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. फर्स्ट आई रीड दिस लेसन्स, देन आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. एम्पायर अकबर, और अकबर द ग्रेट इज़ नोन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूरल इन द वर्ल्ड. Not just because he had vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. He cared for his subjects. He had a great respect for scholars, writers, poets and artists belonging to different religion. इसका मतलब ये हुआ students कि एक अकबर नाम का राजा है जो सबसे महान है और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है. सिर्फ किसके वजह से? ऐसा ही नहीं कि उसके पास बहुत बड़ा राज्य है और उसके पास स्ट्रांग आर्मी मीन्स बहुत सारे सेनापति है, ऐसी बात नहीं है. और अनटोल्ड वेल्थ यानी कि वो इतना पैसों से भी ज़्यादा अमीर नहीं है. ऐसे महान वो नहीं बना है, बट बिकॉज ही वॉज़ अ गुड ह्यूमन बींग, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी मानवता है. ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट्स, मतलब उसके अंडर में जितने भी प्रजा हैं वो उन सब का क्या करता है? केयरिंग करता है. ही हैड अ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट्स एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजन, यानी कि अनेक अनेक धर्मों से आए हुए लोग, महान स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट्स एंड आर्टिस्ट, जो उनकी वो रेस्पेक्ट करता है. कौन करता है? द राजा, दैट इज अकबर. ही वॉज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मतलब उसके अंडर में बहुत सारे आर्टिस्ट थे, लेकिन जो सहायक थे वो कौन कौन है? आर्ट एंड कल्चर. द नाइन जेम्स और नवरत्न इन हिज कोर्ट वर फेमस, और हमेशा वो नवरत्न लोगों को देते हैं जो अच्छा उनके लिए कार्य करता है यानी काम करता है. मेनी पीपल बिलीव ऑफ दिस नाइन जेम्स, बिरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्पायरर्स हार्ट. अब इसमें कौन नज़दीक है ज़्यादा अकबर के? हाँ, बिरबल. अकबर लव टू द पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट, एंड बिरबल नेवर फेल टू कम अप विथ एन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर. यानी कि कोई भी पूछा हुआ क्वेश्चंस अगर अकबर पूछता है तो उसका तुरंत आंसर देने वाला एक ही व्यक्ति है जो अकबर के एकदम क्लोज में है, वो है बिरबल. ठीक है स्टूडेंट्स, मूव विद द सेकेंड पैराग्राफ. We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in his story. They have been handed down over generation mainly by word of mouth. Here are two of them. यानी कि हमें नहीं मालूम कि हम लोगों ने ये story पढ़ा है कि नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ाती हूँ ये story अच्छे से ताकि आप समझ सको. One day, यहाँ पर दो story है, but मैं आपको इस video में एक ही स्टोरी बताती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेकंड स्टोरी बताती हूँ. लिसन. वन डे द एम्पायरर एंटर द कोर्ट, अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. एक दिन क्या होता है, राजा आता है अपने कोर्ट में यानी अपने दरबार में आता है, और सीरियस एक्सप्रेशन यानी कि एकदम सीरियस में आता है वो. एज सून एज ही वॉज सीटेड ही सेड, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. वॉट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माई मुस्टेच. यानी कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं तुम सबको पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या करोगे अगर किसी ने मेरी मूंछ खींची तो. मुस्टेज यानी मूंछ. द कोर्ट वॉज स्टंड यानी कि सब शॉक में हो गए.
pulls the emperor's mustache. It was unheard of. यानी कि कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है जो हमारे राजा का मूंछ खींच पाए. Flog him, give him 50 lashes of the whip. यानी कि चाबुक से इसको मारते रहो, 50 lashes दो, यानी कि कौड़े से मारो. और exclaimed the nobleman, यानी कि ये किसने बोला, nobleman ने बोला है. That's not enough, ये काफ़ी नहीं है. Put him in a jail without food and water, said another. फिर दूसरे लोगों ने क्या बोला कि उसे जेल में बंद कर दो और उसे खाना पानी कुछ भी मत दो. फिर देखते हैं क्या होता है. Whip him, beat him up, मारते रहो, hang him, उसे लटका दो, cut off his offering hands, यानी कि उसका पूरे दरबार में उसका अपमान होना चाहिए. The agitated courtiers began to cry out, यानी कि सब लोगों ने वहाँ पे ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोला, मतलब इतना राजा का इतना मान्यता है वहाँ पे कि अगर कोई ऐसी डेरिंग भी करता है तो उसका क्या होगा वही जानेगा. ओनली बिरबल वॉज साइलेंट, लेकिन बिरबल साइलेंट था. बिरबल ने कुछ भी नहीं बोला. क्यों नहीं बोला, ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल, वो थोड़ा स्माइल भी करने लगा. वॉट डू यू से बिरबल, वॉट्स योर ओपिनियन, पूछते हैं लोग उससे कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम अपनी ही राय दो. इन माई ओपिनियन, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, दैट ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीटमेंट्स. अगर किसी ने ऐसा काम किया तो मैं उसे मिठाइयाँ दूंगा. स्वीटमेंट्स यानी स्वीट देना. राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम दिमाग से बाहर हो क्या. गिव स्वीटमेंट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस, द कॉर्टियर्स बिगन टू से. बिरबल स्माइल्ड एंड ऑफर्ड एक्सप्लेनेशन. अब बिरबल एक्सप्लेन करता है कि उसे स्वीटमिट्स क्यों दिया जाएगा. येस, हु वुड बी सो बोल्ड एज पुल द एम्पायरस मस्टेज ओनली इज ग्रैंड सन. यानी कि हम तो किसी के राजा के नज़दीक उतना जाते नहीं हैं, उनसे क्लोज कौन रहता है फिजिकली, उनका ग्रैंड सन यानी कि उनका पोता, तो पोता ही खींच सकता है, तो हम पोते को थोड़ी ना पनिशमेंट करेंगे स्टूडेंट्स. सो व्हेन अकबर हर्ड दिस द बर्स्ट आउट लाफिंग बिकॉज ही हैड एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपन इन द मॉर्निंग. फिर वो ज़ोर ज़ोर से अकबर हंसने लगा कि हाँ सुबह सुबह मेरे साथ यही हुआ और मैं इसके वजह से तुमको पूछने आया था दरबार में और कोर्ट में. ठीक है स्टूडेंट्स, ये है फर्स्ट स्टोरी. नेक्स्ट स्टोरी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी. और आपका क्या काम करना, ये वीडियो का आप 2-3 बार देखो ताकि स्टोरी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू.